हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 13 के एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों आलोचकों का स्पेशल स्वागत है, जो लोग आकर के वीडियो की एक छोटी सी क्लिप को लेते हैं, आधे अधूरे मैसेज को लेते हैं और जाकर के ट्विटर पे डालते हैं या फिर किसी और साइट पे डालते हैं और लगता है कि एक तरफा बात कर रहा है मनु पंजाबी। आई गिव अ डैम टू एनीबडी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लिप को क्यों उठा रहे हो। मैं यहाँ पर जो मास पॉपुलेशन है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं उसकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा एक फेवरेट शो है, इसके अंदर टैक्टिक्स है, डायनामिक्स है, गेम्स है, लोग एक्सपोज होते हैं, लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग निखर के आते हैं, कुछ लोगों से आपको और हमको मोहब्बत हो जाती है, इस वजह से मैं इस शो को रिव्यू करता हूँ। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। थैंक यू दोस्तों, 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, हमने ये जर्नी 1.25 लाख सब्सक्राइबर पे स्टार्ट की थी। 2.25 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने मुझे दिए हैं। मैं किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस पे आने वाले सारे व्यूज सच्चे हैं। ये भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि लोग कह रहे हैं मैं पेड व्यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं किसी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा, ये आप लोगों की ही मोहब्बत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि चीज़ कितनी बड़ी चीज बन जाती है अगर वो बिग बॉस के घर के अंदर हो। तो दोस्तों हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा कि आरान साहब घर का काम कर रहे थे, साहब लगाऊं वरना आप लोग साहब पे भी जज करते हो। आरान घर का काम कर रहे थे और रश्मि उनसे अपना पराठा वराठा या काइंड ऑफ चीजें बनवा रही थी और वो भी बड़ी मोहब्बत से, जो भी आप लोगों ने बार नाम रख रखा है, रामलाल श्यामलाल, वो अपना काम कर रहे थे। और वहीं पर हमने देखा कट टू, जो मेरी तरह और आजकल दो लोग कॉमेंट्री कर रहे हैं शो के बारे में बता रहे हैं, वो दो लोग कहते हुए दिखे। दोस्तों लाइव कॉमेंट्री करते हैं वो लोग कहते हुए दिखे कि ये बार भी ऐसे ही इससे काम कराती होगी, पारस ने बोला। सिद्धार्थ ने कहा इसका शौक है और वहीं पर उसने उंगली करते हुए पारस को भी कहा कि तू भी पहले, मैं सोचता था यार कैसा आदमी है, इसके सारे के सारे काम करता रहता है, जो ये बोलती है वो करता है, और तू भी एकदम मतलब नौकर की तरह लगा रहता था, चिमचे की तरह इसके। सो उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यार तू पहले से इसको जानता होगा, मैं जानता नहीं होगा। सिद्धार्थ ने भी अपना कोई बेहतर एक्सपीरियंस नहीं बताया उसके साथ में, बोला मैं जानता वानता नहीं था, काइंड ऑफ थिंग। वहीं पर हम लोगों ने देखा दोस्तों थोड़ी देर में चीज आया और वो छुपाया हुआ है लग्जरी का, इस पर सिद्धार्थ को बहुत प्रॉब्लम है, ये कैसे खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। और पारस ने बोला ये भी चोर है, तो उसने पलट के बोला ये भी नहीं, ये ही चोर है, मैं तो चोर नहीं हूँ। सो पराठों को लेकर के ये बात हुई, मतलब चीज़ को लेकर के। वहीं पर पैरेलली पराठों को लेकर के भी दोस्तों बात हुई कि शेफाली बग्गा को 30 पराठे बनाने होंगे। अब बिग बॉस ने ऐसा लग रहा है बग्गा को सिर्फ पराठों के लिए रखा है, वरना तो वो दिख ही नहीं रही कॉन्टेन में, तो कि वो शो के अंदर है भी, वरना वो कहीं ना कहीं पर दिखती हैं। भारत देश हमारा देश है, भारत की आज़ादी में हमारे शहीदों का खून लगा है, इस तरह की बातें करती हुई नजर आती है। बिकॉज दोस्तों क्या होता ना, बेसिकली जब कोई शो से बाहर होकर के वापस अंदर होता है तो कोई कोई इंसान काफ़ी रैपो को लेकर के वरिड हो जाता है कि बाहर वो जब दो फुटेज मतलब लोगों को देख लेता है फोटो खींचते हुए खुद का, तो थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस हो जाता है और वो इमेज की वजह से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, मतलब शो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मजा नहीं आ रहा ना। सो उसने 30 पराठे नहीं बुलाए तो आरती ने बोला बना के रख लिया करो, बिकॉज पराठे की डिमांड आसिम की तरफ से आई थी। दोस्तों आसिम ने बहुत उम्दा गेम खेला आज, उसके बारे में एक बात करेंगे। वहीं पर पहले एक छोटे से और जेस्चर पे चलते हैं। आसिम ने वहीं पर मायरा को किसी काम वाम करने के लिए बोला, तुम ये काम वो काम कर लिया करो। वहीं पर विशाल, जो कि दिख रहा है कि मायरा और विशाल थोड़ा सा आपस में अच्छे दोस्त हैं, इफ मोर देन दैट तो आई डोंट नो, बिकॉज मेरे को तो जो फुटेज में दिखता है वो दिखता है, तो वो एक बहुत अच्छा सा उन लोगों ने दोनों ने एक दूसरे को हक किया हवा में लेकर के। और तो वहीं पर कट्टू पारस का सीन दिखाया कि पारस को प्रॉब्लम हो रही है, और वहीं पर सिद्धार्थ ने भी कहा अगर वो कंफर्ट हो रही है या वो देरी है कि तुम कर लो ऐसा, तो लोग कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं, सिद्धार्थ ने बोला। सो ये वाली चीज़ दिखी हम लोगों को, और वहाँ पर भी मायरा नॉमिनेशंस की बात करती हुई दिखी। वहीं दोस्तों सना का भी एक कट्टू सीन था कि सना भी सेम ऐसा ही कुछ करती हुई रश्मि के साथ दिखी कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, और उसने कहा नहीं बेटा मैं अपना बचपन जी नहीं पाई, इस वजह से मैं तेरे को देखती हूँ तो मुझे अपने अंदर तेरा बचपन दिखता है। सो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती जब तू गंदी गंदी हरकतें करती हैं तो। और वहीं पर शेफाली भी ये सेम कहती हुई दिखी भाऊ के साथ में कि इन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है घर के अंदर दो राक्षस नहीं है, तो इन लोगों को भी रियलाइज़ हो रहा है 70-80% वोट्स इनके लग रहे हैं, तो इनको भी लग रहा है गलत हो रहा है हमारे साथ में, तो ये लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने इनको कहा है कि तुम्हें संभलना चाहिए, सुधरना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर रश्मि ने भी सना को समझाया कि कैसे चलना चाहिए, यहाँ शेफाली ने भी समझाया कैसे चलना चाहिए, और आगे थोड़े एपिसोड में कुछ देर बाद में ये दोनों जो रस्ते से भटकी हैं बाबा मानना पड़ेगा। खैर दोस्तों वहीं पर हमने बेसिकली ये चीज़ देखी कि पारस वहाँ बैठा हुआ कह रहा था कि कैसे गधे हैं ये लोग, 70-80% वोट्स ऑन बिग बॉस कहाँ से पकड़ के लाया इन लोगों को। सो शेफाली ये बताना चाह रही थी, मतलब सिचुएशन ये बेसिकली आपको बताना चाह रही है शेफाली और कोई भी नहीं,
कि ये लोग एक्चुअली दो दिनों के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होने लग गए हैं। कल शहनाज ने ये भी कह दिया था कि बिग बॉस को अच्छा सा एक लड़का भेजो या फिर सिद्धार्थ को भेजो, और जब विकास ने ये बोला था कि सिडनाज बार बहुत फेमस हो गया था तो सना ने एक्चुअली नाम लेना बंद कर दिया हमारे इन भाई साहब का, पारस भाई साहब का, और अब वो थोड़ा सिडनाज वाले सीन पे ही कंटिन्यू कल भी फोकस करने लगी थी, और वहीं पर आज ये लोग थोड़ा सा कंफर्ट भी हो गए हैं, बिकॉज कल जितनी क्रेविंग और मिसिंग हो रही थी वो आज उतनी नहीं दिखी, न टास्क में ना बिटवीन दैट, और आगे पीछे भी नहीं दिखी। हाँ, इनकी टास्क हमें जरूर महसूस हुई कि अगर सिद्धार्थ होता तो पता नहीं क्या उठा पटक हुई होती गेम के अंदर, पारस द लेटेस्ट सीजन मास्टरमाइंड होता तो पता नहीं क्या हो रहा होता, बट ये लोग लड़कियां हील कर चुकी हैं अपने आप को, ऐसा कुछ सीन जेस्चर में दिख रहा था। खैर, वहीं पर भाऊ को अपना लेटर नहीं मिला तो भाऊ फुल तेवर के अंदर थे, और भाऊ ने जाकर के पहली बार किसी ने बिग बॉस की क्लास ली, और भाऊ ने बिग बॉस को कहा अरे कोई अगर प्यार से देता तो प्यार से लेने का, उसकी साथ उंगली नहीं करने का, वरना विकास पाठक छोड़ेगा नहीं, अवकत याद नहीं दिलाने का, अवकत बिल्कुल भी याद नहीं दिलाने का मेरी को। वहीं पर विकास पाठक नींद से उठ नहीं रहे थे तो कुकड़ू को बज रहा था, तो उन्होंने गाली भी बोली कैमरा को देख करके। सो दोस्तों, हम लोगों ने गालियां सबको बोली होगी पर बिग बॉस को तो हम फादर की तरह ट्रीट करते थे, बिकॉज दे गिव अस अपॉर्चुनिटी टू लाइक शो आर सेल्फ एज वेल एज टू लाइक गिव अस अ नेम फेम एंड एवरीथिंग, लाइक आप अभी ये वाला आप लोगों का प्यार भी। खैर एनीवेज, हो सकता है ये लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं। खैर दोस्तों, उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा कि विकास पाठक की बात बिग बॉस सुन भी नहीं रहे थे और काफ़ी दिनों से वो नहीं सुन रहे हैं। द मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल फॉर भाऊ, आई डोंट डिसएग्री दिस, कि भाऊ को अपने बेटे का फोटो चाहिए, बट वो जिस तरह से माइक नहीं पहन रहे थे वो थोड़ा सा सारे घर वालों को समझ में नहीं आया। आसिम ने भी समझाया, ब्ला 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 लोगों ने भी समझाया कि आपको थोड़ा सा ढंग से करना चाहिए। खैर बिग बॉस ने लेटर वाला टास्क किया, और लेटर वाले टास्क में बिग बॉस ने ये कहा कि भैया आप लोगों को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, और आपको अपने प्रतिद्वंदियों के लेटर फाड़ देने हैं तो आपका नाम ऊपर चढ़ जाएगा, अगर नहीं दोगे तो प्यार मोहब्बत में नाम कमा लोगे, तो नाम कमाना है नाम कमाना है, आपकी मर्जी है। सो पहला लेटर दोस्तों आरती का आया, जबकि आसिम सबको कमिट कर चुके थे मैं किसी को लेटर नहीं दूंगा, पर एक बार उनके मुंह से निकला था कि मैं आरती को दे दूंगा। दोस्तों उन्होंने आरती को लेटर दिया, दैट वाज अ फैंटाबुलस जेस्चर, द गाय इज लाइक डाइंग फॉर द कैप्टनशिप, पर वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन के साथ इंसान भी है, उसने वो लेटर आरती को दे दिया। आरती को लेटर देने की वजह से आरती रोई, आरती ने वो लेटर पढ़ के सुनाया कि माँ कह रही है आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप अभी रणजी खेल रही हो, अब तुम विश्व कप खेलोगी और तुम एक दिन बहुत बड़ी बल्लेबाज बनोगी। मैं एक्चुअली अमेजॉन प्राइम के ऊपर वो इनसाइड एज भी देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा उसका भी मैंने फ्लेवर डाल दिया। सो ये वाली चीज़ हम लोगों को दिखी। वहीं पर दोस्तों सेकेंड लेटर से पहले एक बात याद आई कि मधुरिमा जी जो कॉन्टेन अपने अंदर एक नया लेकर के आई हैं, वापस चालू हो गई खेल को खेलना, उन्होंने मायरा से पूछा, मायरा ने उनको बताया तुम 74 वर्ड बोलियो, 500 600 बोलो, और अब झगड़ा करके दिखाओ, बर्तन पे जाकर के नाटक कर लो, उसने वो के वो किए भी, बहुत सोचने की बात है भाई, बहुत सोचने की बात है कि मायरा से मिलके आप लोग इस बात को करके आगे चल भी रही हो, तो मायरा का तो अच्छा ही कॉन्टेंट दिख रहा है, पर आप सोचो मधुरिमा जी आप कर क्या रही हो, वीकेंड पर आपको पहली फुर्सत में निकल के देना चाहिए, बट वोटिंग के हिसाब से भी आप नहीं चाहिए, हाँ भाऊ इनसे ऊपर है, राइट। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने देखा सेकंड चिट्ठी जो आई, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, कॉपीराइट आ जाएगा, इतनी देर करूंगा तो। सेकंड चिट्ठी आई दोस्तों, अरे पहली चिट्ठी हम लोगों ने देखा कि शहनाज की आई, शहनाज की चिट्ठी आई, वो विकास को मिली, विकास ने पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, उसने वो चिट्ठी रश्मि को दी, रश्मि ने वो चिट्ठी ली और रश्मि ने उस चिट्ठी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर उन्होंने ये कहा कि अभी मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कैपेबल हो गई हैं, इतनी समझदार हैं, या इस खेल को खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अभी इनोसेंट है, और बाद में चिट्ठी फाड़ने के बाद उसको अकेले में जाकर ये बोला बच्चा मैं नहीं चाहती आपको टेंशन हो, आप मस्तियाँ करते हो, आप हंस खेल के घर के अंदर रहते हो, तो बच्चा मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप परेशान हो। वाओ वाओ हाओ रश्मि जी हाओ, मुझे ये नहीं समझ में आया दोस्तों विकास ने उस चिट्ठी के अंदर इतना एंटरटेन क्यों किया, विकास ने क्यों रश्मि को वो चिट्ठी दी। खैर उसके थोड़ी देर बाद में कट्टू आसिम वाली चिट्ठी आई, राइट, देन आसिम की बात हम लोग कर चुके पूरी, इसमें भी डाल देंगे अपन। थर्ड चिट्ठी दोस्तों उसके बाद में आई रश्मि की खुद की, रश्मि की चिट्ठी आई और रश्मि की चिट्ठी हमारे विकास पाठक भाऊ जी ने उठाई। भाऊ जी ने उस चिट्ठी को लेने के बाद में भाऊ बड़े इमोशनल होकर के भाऊ ने कहा कि मैं इस चिट्ठी को नहीं फाड़ सकता, मुझे कैप्टन बनने का बहुत मन है मगर मैं नहीं बन सकता, बिकॉज मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि ये चिट्ठी उस इंसान तक पहुंच जाए, बिकॉज मैं चिट्ठी की अहमियत समझता हूं, बिकॉज वो पूरे दिन से ही इस चीज में लगे हुए थे कि मुझे घर का फोटो मिल जाए, फोटो मिल जाए, फोटो मिल जाए। सो विकास बार बार बीच में आकर के वो चिट्ठी लेते देते समय बीच में बोल रहे थे, एकदम से विकास ने वो चिट्ठी ली और डिस्ट्रॉय कर दी। The moment was very much clear
कि रश्मि जी ने उस चिट्ठी को इजीली डिलीवर्ड होने दिया विकास के हाथ में, विकास से लेकर के इजीली डिस्ट्रॉयड करने दिया। आसिम ने जबरदस्त वाला स्टैंड लिया और आसिम ने क्लियर क्लियर कहा कि आपका मुंह नहीं टूटा है, आपकी उंगली टूटी है, आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रही हो। अगर आपको इस चीज से मतलब होता तो आप स्ट्रांगली बोलती, आप आराम के लिए करती एक बार फिर भी समझ में आता, बट ये कल का आदमी क्यों करके चला गया। वहीं पर आसिम ने यह भी कहा कि आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो, आप अदरवाइज ये चिट्ठी किसी भी कीमत पर उसको फाड़ने नहीं देते। और हम भी देखते आए हैं इतनी बार वो जबरदस्त तरीके से रश्मि लड़ती है मगर अपनी चीज किसी को लेने नहीं देती है, खुद चीज छुपा के रख सकती है मगर चिट्ठी किसी को देने नहीं देती है। आप इजीली देखोगे सिद्धार्थ विकास ने वो चिट्ठी ली और डिस्ट्रॉय कर दी। सो यहां पर गेम में एक बिल्कुल क्लियर कट आता है। अगर विकास खेला 0.1% मान लेते हैं तो उसका खेल सही, मगर सेकंड क्या दोस्ती है आपकी उससे। आसिम को यह नहीं पता तो आसिम ने बोल दिया मैं 2.5 महीने से तुमको जानता हूं, हम लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, इसको तुम कब से जानती हो जो तुमने इसको चिट्ठी लेने दे दी। अरे वो इसको 2.5 महीने से तुझे जानती है और वो कह भी रही है तुझे अकेले में। हाँ आसिम ज्यादा पुराने तो तुम मेरे दोस्त हो, अगर मैं करती तो तुम्हारे साथ करती। बेसिकली विकास क्या है, विकास एक बाहर जाकर के खुद एक क्रिएटिव है, लोगों को शोज दिलाता है, क्रिएटिव्स के लिए बात करता है, तो भैया विकास से पंगा तो ये चला करके लेंगी नहीं। मैं क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा था विकास के लिए पहले भी कि क्रिएटिव्स इसको हर सीजन के अंदर एक बार अंदर क्यों डालते हैं। बात हमसे भी होती है, सबसे होती है, सब लोगों से होती है, बट हमारी पैसों पर सेट नहीं होती, फिर विकास की हो जाती है। तो विकास को अंदर डाल दिया जाता है सीजन के, वहां तक भी ठीक है। अब जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन लोगों को भुगतना भी पड़ जाता है। खैर एनीवेज वो भुगते हैं और इन्फ्लुएंस होंगे और नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, विकास का गेम ही कहलाएगा। तो ये चीज यहां पर क्लियरली क्या दिखी कि रश्मि जी मान गई और हमारे आसिम साहब ने उसको क्लियरली एक्सपोज किया सबके सामने। अरे मुझे पता नहीं चला। तो आसिम ने उसको भी कहा तुझे पता क्या चलता है यार, तू बस क्या भाग के आ रहा है यार, चिट्ठियां मिट्टियां इधर उधर कर रहा है, तेरे में कोई अपना पर्सनल दिमाग नहीं है। खैर वहीं पर दोस्तों हम लोगों ने थोड़ी देर बाद में कट्टू ये देखा कि फिर चौथा लेटर आया और चौथा लेटर दोस्तों और चौथा लेटर आने से पहले एक बार फिर ब्रेक हो गया और ब्रेक के अंदर शेफाली जरीवाला ने ऐसे कह दिया आसिम को और विशाल को कि मेरे को मैसेज आ गया है, मेरे को विकास ने मैसेज दे दिया है, तुम लोग वो लेटर आए तो फाड़ देने का, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। बिग बॉस ने क्लास बैठा ही क्लास बैठा करेगा, अगर आपको आपकी चिट्ठी विकास ने दे दी है या मैसेजेस विकास ने दे दिए हैं तो फिर भैया आप खेल से बाहर हो जाओ। और इन दोनों में भी इतनी इंसानियत तो होगी कि लड़ भिड़ के जीतना चाहते हैं, ऐसे पागलों की तरह शो नहीं जीतना चाहते, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात थी। ये बात सुनने के बाद में तो भैया कोई न योद्धा हो तो भी अपने आप को योद्धा मान लेंगे, बिग बॉस तारीफ कर रहा है तो इन दोनों को तो कह दिया तो ये बिल्कुल ही मान गए। वहीं जाकर के शेफाली की चिट्ठी डिस्ट्रॉय होते हुए वो रोने लगी। बट और वहीं पर उसने एक बात ये भी बोल दी कि मैं तो आप लोगों के लिए करती ना, तो आसिम ने बोल दिया यार प्लीज फालतू की बातें मत बोलो, तुमको तुम्हारी चिट्ठी मिल गई तो तुम कर रही थी, हम पे कोई एहसान नहीं कर रही थी, तुम जस्टिफाई मत करो चीज़ को। थोड़ी देर बाद भी आसिम ने यही चीज़ बोली कि काय के लिए कह रही हो, तुम हम लोगों के लिए कर रही थी, हम लोगों के लिए तुम कुछ नहीं कर रही थी, तुम खुद के लिए ही कर रही थी और जबरदस्ती का सीन मत बनाओ। खैर थोड़ी देर बाद में शेफाली इस बात पे चिढ़ गई, चिट्ठी आई भाऊ के घर से, उसने आओ दिखाना था, वो चिट्ठी भी उसी के हाथ में लगी और उसने चिट्ठी को डिस्ट्रॉय कर दिया। चिट्ठी के डिस्ट्रॉय होते ही साहब आसिम साहब फिर बोले मैंने कहा ये दोगली है भाऊ आपको, फिर वो भाऊ को जाकर के मानने लगी भाऊ तुम समझेगा ना मेरी बात को, मेरे को क्या हो गया था ना भाऊ, मेरे को गुस्सा आ गया था और मेरे को भाऊ तुमको पता है कि मेरे को बुरा लगे था तो मैंने एक्साइटमेंट में ऐसा कर दिया। भाऊ बोलता है मेरे को सबसे ऐसी उम्मीद होना मैं तेईस से नहीं होने का है, तूने जो किया वो गलत किया, मेरे साथ तेरा गलत होना, यह तेरे को नहीं करना चाहिए था। आसिम बीच में बार बार बोला तो भाऊ ने उसको चुप कराने की कोशिश की, जबकि भाऊ ने कहा घर के अंदर एक रेट है, मैं हिमांशी को भी समझाता था कि किसी की सगी नहीं है, मेरे और सिद्धार्थ की वजह से ये कैप्टन बनी थी, मेरे सिद्धार्थ भाऊ की वजह से ये कैप्टन बनी थी, वरना अदरवाइज तुम्हारा खेल के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस होती भी नहीं। एंड दैट वॉज एब्सोल्यूटली राइट, लौंडा पूरे शो के अंदर खेल रहा था आसिम आज और उसने बिल्कुल सही चीज बोली। और वहीं पर जब आरती की चिट्ठी दी गई थी तो आसिम रियाज ने वो चिट्ठी देकर के बहुत अच्छा जेस्चर प्रूव भी किया था फ्रेंडशिप का। और वहीं पर कट्टू सिद्धार्थ का भी सीन दिखाया था कि सिद्धार्थ ने कहा था नहीं यार आरती डिजर्विंग है, जिस तरह रो रही है आरती को उसकी चिट्ठी मिलनी चाहिए थी, ये आसिम ने बढ़िया किया। और एक्चुअली आसिम तुमने बढ़िया किया, शेफाली को भी क्वालिटी चेक करवाया ये भी बढ़िया किया, शेफाली को उसने पूरा का पूरा बताया। बिकॉज शेफाली का दोस्तों एक सीन देखा भाऊ के साथ अकेले में बैठ के बोल रही थी कि शेफाली बहुत पजेसिव होती थी इसको लेकर के, शेफाली को ये सब पसंद नहीं आता था जितना ये पास वास आता था, इस चक्कर में मैं इसको पप्पी वप्पी देती थी, गले वले मिलती थी, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था इसके अंदर मैं ऐसा कुछ करूं, मैं तो सिर्फ इसलिए कि भाई हिमांशी बची रहे, मतलब एक आदमी गलत हिमांशी बची रहे, मतलब एक आदमी अगर आसिम उसकी पप्पी लेता है तो आप उसकी पप्पी ले लोगे, पप्पी पप्पी आपस में बराबर हो जाएगी क्या, पप्पी पप्पी आपस में बराबर थोड़ी होगी, मगर क्या पता आप क्या सफाई देना चाह रही थी भाऊ को अकेले में। खैर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ आसिम से आपने बोला, वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आपका प्रूव हो गया शेफाली जी, एंड यू बीन एक्सपोज्ड टुडे कि आपने अपने आप को एक्साइटमेंट में कर दिया तो कर दिया, फिर लास्ट में आपने अच्छा बोला मैं भर गई थी, मुझे गुस्सा आया तो इस वजह से मैंने ये किया, तो किया इसमें क्या हो गया,
आपको गुस्सा है, आपने करके दिखा दिया, सो बाद में फिर भी आपने ये चीज़ सही बोल दी, बट बीच में आप थोड़ा सा अपने जेस्चर को, अपने मूवमेंट्स को खो रही थी कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों रेगुलरली पारस और सिद्धार्थ की कमेंट्री चल रही थी चीज़ की बात से लेकर के चिट्ठियों की बात पर, और बहुत ही जल्दी ये लोग घर के अंदर भी आ जाएंगे, और हम एज वेल एज देख रहे हैं कि कल के एपिसोड के अंदर ये लोग लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि कौन कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा और किस तरह से चीज़ें चलेंगी। मधुरिमा के पास सेल्फ कंटेंट कुछ नहीं है, दिख गया उसको नहीं समझ में आया। कल बिग बॉस ने एक काम दिया, जिनको समझ में नहीं आता उनको बिग बॉस चला करके रॉकेट बनाता है, बेटा आप अपने मेरे हिसाब से उड़ो, अगर आप नहीं उड़ सकते तो कल उसको दिखा कि उसने वो जो एक घंटे वाला लाइव शो हुआ उसकी वजह से कुछ किया। वहीं पर आज उन लोगों ने, मायरा ने उसको बोला जाके लड़ो बर्तन की वजह से, तो वो लड़ ली। शेफाली बग्गा अंदर आने के बाद कुछ खास करके दिखा नहीं रही है, आरान उसके लिए खाना बना रहा है, अब आरान को भी ऐसा फ्रंट फुट पे आके लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, बिकॉज सिद्धार्थ अपने पॉइंट्स को क्लियरली रख के शायद लड़ लेते हैं या रख लेते हैं या फिर अग्रेसिव है तो लोग उनसे लड़ लेते हैं। अब तो ऑलरेडी आसिम की टीम के अंदर ही आरान है, तो भैया ज़्यादा मसाला अपन को कैसे मिलेगा। पारस भी बाहर, सिद्धार्थ भी बाहर, लड़कियाँ सरेंडर कर चुकी हैं ऑलरेडी, इन लोगों के साथ मिक्स हो गई हैं, हार भी मान ली है, जीत भी मान ली है, सना ने भी उसको आई लव यू सॉरी बोल दिया रश्मि को, तो भैया बचा क्या, ये सब लोग तो दोस्त हो गए। अब बिग बॉस के क्रिएटिव्स को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, यहाँ तो सिद्धार्थ भैया जल्दी से जल्दी सही हो या फिर पारस भैया अंदर आए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप सही और गलत की लड़ाई लड़ रहे होते हो ना, जब आप लड़ रहे होते हो तो कई बार आप सही और कई बार आप गलत भी होते हो, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको बाहर पब्लिक जज भी करती है, मगर आप देख लो कि अदरवाइज इनके बिना तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा ना। जैसे आज आसिम ने क्लियरली रश्मि को भी ये बताया कि वेयर यू सपोज टू बी स्टैंड, कितने पानी के अंदर हो तुम, वही अगर आसिम का सपोर्ट नहीं हो इन लोगों के पास में तो ये लोग क्या है, आसिम है इनके साथ तो ये लोग स्ट्रांग खड़े हैं। वहीं पर सिद्धार्थ बाहर है तो अब आसिम के पास भी लड़ने के लिए कोई नहीं है, बिकॉज ये सब तो उसी की टीम है, अब उसी के अंदर चिट्ठी नहीं बट रही तो उसको गुस्सा आ रहा है। सो दोस्तों अभी फिलहाल बोर्ड के ऊपर तीन नाम लग चुके हैं कैप्टनशिप के दावेदार के, आगे देखते हैं दोस्तों और कितने लोग मिलके इकट्ठे होते हैं और बिग बॉस का नेक्स्ट मूव क्या रहता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। खाने की लड़ाई, बर्तन की लड़ाई, दोस्तों की लड़ाई, यारों की लड़ाई, चिट्ठी की लड़ाई, अब कल फटेगी मायरा की चिट्ठी और आसिम उसको चिट्ठी देगा, लेकिन मैं उसके बारे में पहले बात इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज दोस्तों मैं है ना देखना चाहता हूं कि इस चिट्ठी से क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आगे पीछे जो बिग बॉस प्रोमो काटते हैं उस पर जज करना मनु पंजाबी का सौदा नहीं है। मैं पहले देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद में आप लोगों तक कोई चीज़ लेकर के आऊँगा। बिग बॉस ने बढ़िया तरीके से तड़ी देते हुए जब विकास चिट्ठी पढ़ रहे थे तो भाऊ को भी बताया कि भाऊ आप ये गलती कर रहे हो, वहीं मास्टरमाइंड यानी विकास गुप्ता ने समझाया कि आपको ये चिट्ठी पढ़ने से पहले आपको चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए, समझना चाहिए। सो इस बार पहली बार हो रहा है कि बिग बॉस की हर चीज़ को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। वहीं पर हम लोगों ने देखा ये लोग सोने लगे, भाऊ भी सोते सोते गाली बोल गए, विकास भी सो रहा था, भाऊ भी सो रहे थे, रश्मि भी सो रही थी। सो भैया आधे से ज़्यादा घर सो रहा है, घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे सिद्धार्थ गुप्ता, आ जा। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। मैं मनु पंजाबी आपका दोस्त, आपका होस्ट, इस तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बनते बिगड़ते रिश्तों की एक और अनोखी कहानी अगर आपको देखना हो, छोटी सरदारनी। बाय, मैं मनु पंजाबी, बाय।